ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक बैठक हमीर भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के सभापति आशा कुमारी ने की। आशा कुमारी ने कहा कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी विकास राशि का आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में सदुपयोग हो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक बैठक आज हमीर भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति की सभापति आशा कुमारी ने की। समिति के सदस्य विधायक सर्व श्री कर्नल इंदर सिंह, बलवीर सिंह, अर्जुन सिंह, राकेश जम्बाल, सुभाष ठाकुर तथा होशियार सिंह इसमें विशेष रूप से उपस्थित थे। लोक लेखा समिति भारत के महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लंबित ऑडिट पैरा की समीक्षा हेतु आजकल विभिन्न जिलों के प्रवास पर है। आशा कुमारी ने कहा कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी विकास राशि का आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में सदुपयोग हो। जिला के अधिकारी अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं व आवंटित राशि इत्यादि का पूर्ण विवरण रखें और राज्य निधि का पारदर्शी व जवाबदेह ढंग से व्यय सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आवंटित की गई राशि का सही उपयोग करें, इसे जन विकास में व्यय करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों से ये भी आग्रह किया कि वे ऑडिट पैरा से संबंधित तथ्यों की पूर्ण जानकारी 23 मई विधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि इसका तद अनुसार समाधान किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज की इस बैठक के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन वन व राजस्व सहित अन्य विभागों से संबंधित ऑडिट पैरा पर विस्तृत चर्चा की गई। लोक निर्माण विभाग से आग्रह किया गया कि विभाग ऑफलाइन निविदा प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाए। बैठक के दौरान समिति के सभी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे और बहुमूल्य सुझाव भी दिए। इससे पूर्व उपायुक्त हरकेश मीणा ने समिति के सभापति व सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि आज की इस बैठक में समिति की ओर से दिशा निर्देशों व सुझावों की जिला में आरक्षक अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और सभी विभागों द्वारा तय समयावधि में प्रतिवेदन प्रेषित कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, अनुभाग अधिकारी रीता शर्मा, अधीक्षक बलदेव राज, महालेखा परीक्षक कार्यालय से वरिष्ठ लेखा अधिकारी रमेश चौहान व वरिष्ठ लेखाकार नगेंद्र कुमार, वरिष्ठ प्रतिवेदक मंजू शर्मा व शारदा देवी सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कारण से आपके जिले के और मुख्यालय के बीच पूरी बात जो है वो ठीक से ना समझने की वजह से आपके पैरा जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, जबकि वो आसानी से ड्रॉप किए जा सकते हैं। तो अगर आप सही सूचना देंगे, सही बात बताएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा कि आपके कुछ पैरास ड्रॉप होंगे